हेलो माय डियर बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आज का हमारा जो सब सब्जेक्ट है वो टीचिंग अप्रोच। हो सकता हो बाय मिस्टेक पिछले वीडियो में हमने कहीं एम्स ऑफ टीचिंग अप्रोच कर दिया हो, तो ध्यान रखना है कि वो उस पर जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जो टॉपिक है ना वो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ टीचिंग अप्रोच, यानी लेसन प्लान जो हमारा होता है, जो पाठ योजना होती है, तो उसकी स्टेप्स जो हम पिछले वीडियोस में लगातार बताते चले आ रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको जनरल एम्स, वेरी स्पेसिफिक एम्स, स्पेसिफिक एम्स के पार्ट्स बताए थे, है उसके बाद में आपको जितने भी और आगे की स्टेप्स हैं वो बताए पिछले में, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, स्टेट ऑफ एम्स, वो स्टेटमेंट ऑफ एम्स, ये बहुत सारी चीज़ें बताई थी हमने। अब देखिए आज के जो वीडियो हमारा है इसमें हम आपको स्टेप्स और टीचिंग अप्रोच में बताने जा रहे हैं मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। अगली स्टेप्स ये हमारी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मॉडल रीडिंग है, ये आदर्श वाचन जिसको हम कहते हैं बाय द टीचर, यानी जो हमारा आदर्श वाचन होता है वो टीचर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? टीचर। तो लिखा मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, यानी टीचर के द्वारा आदर्श वाचन, टीचर के द्वारा आदर्श वाचन, यानी टीचर के द्वारा ही जो है वो सबसे पहले रीडिंग की जाती है, वाचन किया जाता है। तो द टीचर मे गिव वन और मोर देन वन मॉडल रीडिंग अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। देखिए सिचुएशन के हिसाब से, क्लास की कंडीशन के हिसाब से, स्टूडेंट की सिचुएशन के हिसाब से, कि स्टूडेंट्स किस कैटेगरी के हैं, उसमें अच्छे भी स्टूडेंट्स होते हैं, ब्रिलियंट भी होते हैं और कुछ डल स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो दोनों को देखते हुए जो वहाँ की क्लास की सिचुएशन उसको देखते हुए हमें जो है एक बार या एक से अधिक बार जो है मॉडल रीडिंग करनी चाहिए अध्यापक के द्वारा, टीचिंग के द्वारा, टीचर के द्वारा, है ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार आपको जो है एक से अधिक बार, जरूरी नहीं कि आपने एक बार जो है किसी पैराग्राफ को जो है आपने रीड किया और रीड करने के बाद आपने बता दिया, उसके बाद आपने समझ लिया कि हमारा टॉपिक फिनिश हो गया, ऐसा नहीं है। अगर जरूरत समझे या क्लास की सिचुएशन हो तो कई बार उसको रिपीट करें, कई बार रिवाइज करें। तो द टीचर्स द रीडिंग अलाउड शुड ब्रिंग आउट द फीलिंग एंड द मीनिंग बिहाइंड द रिटन वर्ड। देखिए टीचर्स को जो है वो रीडिंग अलाउड, यानी जोर जोर से रीडिंग तो करते हैं, रीडिंग जब करते समय शुड ब्रिंग आउट द फीलिंग, यानी फीलिंग्स को बाहर निकालने की जरूरत है, फीलिंग्स बाहर आ जाए, इस तरह की रीडिंग होनी चाहिए टीचर की, वो क्या आनी चाहिए, एंड द मीनिंग बिहाइंड द रिटन वर्ड, जो हमारे शब्द लिखे हुए हैं उन फीलिंग्स के द्वारा जो शब्द हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड हैं, उनके मीनिंग निकल के बाहर आ जाए, इस तरह की टीचर के द्वारा जो वाचन होना चाहिए वो रीडिंग होनी चाहिए। सिंस टीचर इज द सोल सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग ऑफ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। देखिए सिंस टीचर इज द सोल, ये यहाँ पर कहा गया टीचर को, क्या कहा गया, सोल। सोल मीन्स क्या होता है, सेव सोल मीन्स मुख, यानी सबसे जो बेस जो होता है वो टीचर का ही होता है, सोल सोर्स है ऑफ द प्रोवाइडिंग लर्निंग ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सिखाने की, प्रोवाइडिंग लर्निंग की है, वो सबसे उसका जो सोल सोर्स है वो अध्यापक है, अध्यापक के द्वारा ही है जो लर्निंग जो है वो कराई जाती है, वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एक शिक्षक के द्वारा ही हो सकती है। शिक्षक अगर चाहे तो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट मीनिंग वो शुरुआत से ही, आपका छोटे स्तर के ही बच्चे हैं, छोटे क्लासेस के बच्चे हैं, अगर स्टार्टिंग से अच्छा टीचर है, आपको सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, सही जो है वर्ड्स के जो है प्रोनाउंसिएशन अगर है, तो आपको आगे मिस्टेक्स नहीं होती। तो आगे देखिए प्रॉपर इंटोनेशन एंड स्ट्रेस इन स्पोकन इंग्लिश, और ये भी है कि इंग्लिश स्पोकन में, इंग्लिश बोलते समय या इंग्लिश की रीडिंग करते समय आपको क्या चीज की जरूरत होती है, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, आपको जो कैसे पढ़ना है उसकी लय और तान
हो जिस तरह से है वो स्पोकन इंग्लिश में उसी प्रकार से होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है किसी वर्ड को किस तरह से किस लय में बोलना है और आप दूसरे लय में, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वो मीनिंगलेस वर्ड हो जाएगा हमारा। तो द टीचर शुड बी वेरी केयरफुल, इसलिए टीचर को बहुत सावधान होने की जरूरत होती है। इन द क्लास, कक्षा में टीचर को विशेष सावधानी की जरूरत होती है, सावधान रहना चाहिए। व्हाइल डूइंग द रीडिंग है, जब वो टीचिंग कर रहा हो, टीचिंग करता है, उसमें उसको बहुत सावधानी की जरूरत होती है। तो आगे देखिए, ही शुड ऑल्सो बी पार्टिकुलर अबाउट द पॉज, आर्टिकुलेशन एंड एक्सपोजिशन ड्यूरिंग द रीडिंग। यानी अध्यापक जब रीडिंग करता है उस समय उसको पार्टिकुलर इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। पॉज, आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ड्यूरिंग दैट रीडिंग, रीडिंग के दौरान इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ पर कॉमा लगा है, वहां कितना रुकना है, कहाँ पर डैश है, कहाँ पर इन सारी चीजों पर उसी हिसाब से जो हमारी पंचुएशन होती है, पंचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमें रीडिंग के दौरान रुक रुक के और कैसे किस लेवल पढ़ना है, उसी हिसाब से हमें रीडिंग, मॉडल रीडिंग करनी चाहिए। अगला देखिए, हमारा स्टेप है इसी में, दूसरा पार्ट है हमारा मॉडल रीडिंग का। इसमें देखिए प्रोनंसिएशन ड्रिल। अब देखिए प्रोनंसिएशन ड्रिल में क्या होता है, देखिए प्रोनंसिएशन तो आप सब जानते हो, उच्चारण होता है, उसको कई प्रकार से जो है ड्रिल, ड्रिल मीन्स अभ्यास भी होता है कई तरह से। आप जो है उसके वर्ड मीनिंग बता करके हिंदी में, इंग्लिश में, या इडियम्स के द्वारा, फ्रेजेस के द्वारा, या सेंटेंसेस में यूजेस के द्वारा, इस तरह से इसको प्रोनंसिएशन ड्रिल जो है ना, द प्रोनंसिएशन वर्ड स्पेलिंग, द प्रोनंसिएशन एंड स्पेलिंग, प्रोनंसिएशन एंड स्पेलिंग ऑफ न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। यानी जो हमारा प्रोनंसिएशन है उसमें स्पेलिंग ऑफ न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड, जो नए और डिफिकल्ट वर्ड है, जो नए शब्द आते हैं किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी स्टेंजाज में, तो हम क्या करते हैं उसके जो मीनिंग है वो मीनिंग तो बताते ही हैं। न्यू वर्ड्स के प्लस डिफिकल्ट वर्ड मस्ट बी ड्रिल्ड है, उनको अवश्य ड्रिल करना चाहिए, यानी यूज करके बताना चाहिए फ्रेजिज में, या अपोजिट मीनिंग कर उनको ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, बिफोर पहले से, ठीक है ना। एंड आफ्टर द टीचर्स लाउड रीडिंग, उसके बाद ही टीचर को रीडिंग, लाउड रीडिंग करनी चाहिए है, यानी जो हम पैराग्राफ किसी को पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो न्यू वर्ड्स हों, डिफिकल्ट वर्ड्स हों है, उनको ड्रिल के माध्यम से हम जो है पहले उनको बताएं, या हम डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से किसी चार्ट पर पहले ही डिफिकल्ट वर्ड को लिख के हम टैग कर लेते हैं, टांग लेते हैं, या रोलर बोर्ड में अलग से उनको लिख लेते हैं पिक्चर के द्वारा, चित्र के द्वारा, अपने जो डेमोन्स्ट्रेशन विधि है उसके द्वारा, और उनके डिफिकल्ट वर्ड्स, न्यू वर्ड्स है, उनके यूजेस, फ्रेजेस, इडियम्स इत्यादि के द्वारा हम जो है समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लाउड रीडिंग करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, ए पुअर स्टैंडर्ड ऑफ रीडिंग वुड रिक्वायर द ग्रेटर नीड ऑफ ड्रिलिंग। देखिए ये पुअर पुअर स्टैंडर्ड यानी बहुत ही घटिया जो स्तर होता है ऑफ रीडिंग का है, यानी निम्न स्तर की अगर रीडिंग है तो उसको वुड रिक्वायर द ग्रेटर नीड ऑफ द, उसको अत्यधिक आवश्यकता होती है ड्रिलिंग की है। यदि आपकी जो पुअर रीडिंग है, पुअर स्टैंडर्ड है रीडिंग का, तो यानी पुअर रीडिंग तो तभी होगी जब आपको कमांड नहीं होगा, उसके मीनिंग्स नहीं आते होंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आता होगा, तो आपको इन सारी चीजों पर ध्यान देना है अपनी मॉडल रीडिंग में कि उसको आप ड्रिल के द्वारा, ड्रिल के माध्यम से बताएं प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, ड्रिल के माध्यम से उसके जो वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं या डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके क्लियर कट मीनिंग आप ड्रिल के माध्यम से बताएंगे, ठीक है, समझाएंगे। तो ऐसे जहाँ पुअर स्टैंडर्ड है रीडिंग का, उनको अत्यधिक जरूरत होती है ड्रिलिंग की। तो अगला हमारा स्टेप है एक्सपोजिशन एंड एक्सप्लेनेशन है, एक्सपोजिशन एंड एक्सप्लेनेशन। एक्सपोजिशन में भी वही चीज लगभग होती है कि इसमें भी जो है हम
यूज करते हैं idioms में, phrases में, meanings में इत्यादि के द्वारा, उसके बाद हम explanation करते हैं. The exposition of the meaning, the exposition of the meaning, meaning जो exposition है of difficult words may take place before or after the students reading aloud in the class. यानी क्लास में जब हम रीडिंग करते हैं उस समय जो है वर्ड्स में टेक प्लेस, उस समय भी पहले ही डिफिकल्ट वर्ड जो है वो उनका जो है जो मीनिंग है जब नहीं आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनमें हमें दिक्कत होती है, उसका एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है, तो हम एक्सपोजिशन के माध्यम से उनको idioms phrases के माध्यम से उनके वर्ड्स को बताते हैं, तभी जो हमारा जो कहाँ पर क्या जो है लिखा जाएगा, कैसे उसका टेक प्लेस होगा, कौन सी चीज कहाँ पर आएगी, तब हम उसको क्लियर कट कर पाएंगे. द स्टूडेंट्स रीडिंग अलाउड इन द क्लास, स्टूडेंट्स की कक्षा में आफ्टर, बाद में, पहले जो है हम क्या करेंगे, एक्सपोजिशन ऑफ द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, जो हमारे डिफरेंट वर्ड्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे नए शब्द हैं उनको एक्सपोजिशन वर्ड्स के द्वारा हम उनको समझा देंगे, उसके बाद पहले उसके बाद ही हम स्टूडेंट के बीच में लाउड रीडिंग करेंगे कक्षा में. उसके बाद में एक्सपोजिशन एंड ड्रिल बोथ, यानी एक्सपोजिशन एंड ड्रिल दोनों में कंप्रीहेंशन इजियर. जब ये आपको ड्रिल और एक्सपोजिशन दोनों को बता देंगे, दोनों को समझा देंगे क्लास में स्टूडेंट्स को, तो हमारा जो कंप्रीहेंशन है वो इजी हो जाएगा. एंड इन सब्सक्वेंट रीडिंग द मीनिंग्स आर रेनफोर्स्ड, यानी जो हमारा रेनफोर्स्ड क्या होता है, रेनफोर्स्ड में उत्साहवर्धन जिसको कहते हैं, यानी उत्साह बढ़ जाता है. जब आपको सारे मीनिंग्स आते हैं, सारी चीजें आती हैं, तो कोई भी कम्प्रिहेंशन हो, कोई भी पैसेज हो, आपको बहुत आसानी हो जाती है, बहुत ईजी हो जाता है, और आपको पूरी तरह से समझ में आता है. तो आपको आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू. अगले वीडियो में आगे की जो आपको स्टेप